Now we are going to discuss about the acceptance sampling terms. Okay, so most of the terms you are already aware about it, है ना? जैसे acceptable quality level. तो इसके बारे में बताया था कि quality level of good lot is known as the acceptable quality level, है ना? तो means आप अपने supplier से बोलेंगे कि मैं एक lot को अच्छा कब मानूंगा, तो आपको एक permissible limit decide करनी पड़ेगी ना कि इतने percent से अगर ऊपर है तो इसका मतलब है, इतने परसेंट से कम डिफेक्ट है तो इसका मतलब है कि वो लॉट आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? तो एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, तो द एक्यूएल इज अ परसेंटेज डिफेक्टिव दैट इज बेसलाइन रिक्वायरमेंट फॉर द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट एंड द प्रोड्यूसर वुड लाइक टू डिजाइन अ सैंपलिंग प्लान सच दैट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ लॉट दैट हैज द डिफेक्ट लेवल लेस देन और इक्वल टू द एक्यूएल. जैसे मैं इसमें आपको एग्जाम्पल दूं कि आप जैसे कोई प्रोडक्ट है वो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपने बोला कि 2% मैं एक्यूएल लेता हूं, तो 2% एक्यूएल क्या है कि आउट ऑफ 100 कमोडिटीज, है ना, जब आप टेस्ट करेंगे तो अगर दो या दो से कम डिफेक्ट्स निकलते हैं तो दैट मींस दैट इज एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल. मींस यू आर कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट करेंगे, उस लॉट को आप रिजेक्ट करने का कोई और बेसिस है ही नहीं, ठीक है? दूसरा आपका आता है लॉट टॉलरेंस परसेंटेज डिफेक्टिव, LTPD. अब मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, है ना. प्रोड्यूसर से रिस्क हो सकता है कि आप एक अच्छे लॉट को रिजेक्ट कर दें या एक बुरे लॉट को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है? इसकी भी मैंने आपको कंडीशन बताई थी कुछ एग्जांपल देकर के, ठीक है? तो अब इसके लिए जैसे आपका प्रोड्यूसर बोलेगा कि मे बी हो सकता है अब ये सिंगल सैम्पलिंग प्लान में ये इस तरीके के इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं, तो बेसिकली इन दोनों के लिए आप एक्यूएल और LTPD डिसाइड करते हैं. तो LTPD क्या होता है, क्वालिटी लेवल ऑफ बैड लॉट, कि मींस कौन सी कैटेगरी है कि आप उस लॉट को एक्सेप्ट तो करेंगे बट यू विल कंसीडर इट एज बैड लॉट. मींस द LTPD इज अ डेजिग्नेटेड हाई डिफेक्ट लेवल दैट वुड बी अनएक्सेप्टेबल टू द कंज्यूमर एंड द कंज्यूमर वुड लाइक अ सैम्पलिंग प्लान टू हैव अ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ लॉट विद अ डिफेक्ट लेवल एज हाई एज LTPD. ठीक है, तो वो जो रिस्क है टाइप वन एरर और टाइप टू एरर जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, प्रोड्यूसर्स रिस्क या कंज्यूमर्स रिस्क, ठीक है? तो उसको ओवरकम करने के लिए कि हम एक कहीं ऐसा ना हो कि हम एक अच्छा लॉट रिजेक्ट कर दें या एक बुरा लॉट एक्सेप्ट कर लें, तो हमने एक LTPD भी डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 3%, ठीक है, कि 2% इज द इक्वल, कि 2% या उससे कम अगर डिफेक्ट आता है तो मैं तो उस लॉट को एक्सेप्ट कर ही लूंगा, ठीक है? लेकिन LTPD भी चलिए ठीक है, टाइप वन एरर और टाइप टू एरर को कंसीडर करते हुए मैंने एक LTPD भी डिसाइड कर लिया कि 3% तक मैं जो है लॉट को एक्सेप्ट कर लूंगा, हालांकि मैं उसे अच्छे लॉट की कैटेगरी में नहीं डालूंगा, लेकिन ये है कि हाँ ठीक है, मैं उस रिस्क को ओवरकम करने के लिए LTPD से नीचे जो भी लॉट होगा उसको एक्सेप्ट कर लूंगा. टाइप वन एरर इज द प्रोड्यूसर्स रिस्क, कि प्रोड्यूसर का रिस्क क्या है. तो जैसा मैंने बताया कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन नंबर NC, जैसा मैंने बताया था N क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन, एंड C इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है? तो NC सैंपलिंग प्लान ऑफ रिजेक्टिंग अ लॉट दैट हैज अ डिफेक्ट लेवल इक्वल टू द EQL, ओके, एंड द प्रोड्यूसर्स सफर्स व्हेन दिस ऑकर बिकॉज अ लॉट इज एक्सेप्टेबल क्वालिटी वॉज rejected. The symbol alpha is commonly used for the type 1 error and the typical value for alpha ranges from 0.2 to 0.01. ये producer's risk क्या है? Producer कौन है? जो supplier है, आपको उसने lot भेजा, ठीक है, आपने उसमें से जो sample pick किए वो क्या थे, एक तरीके से कह सकते हैं जब आपने sample लिया तो sample में defect ज्यादा आ गए, और actual में वो जो कह सकते हैं lot का quality level है वो क्या है, इक्वल के अंदर है, मींस 2% से कम डिफेक्ट है. इसका क्या मतलब है कि आपने एक अच्छे लॉट को रिजेक्ट कर दिया, तो दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज द प्रोड्यूसर्स रिस्क और द टाइप वन एरर, ठीक है? तो इस तरीके की जो कह सकते हैं एरर को ओवरकम करने के लिए आप क्या करते हैं, LTPD डिसाइड करते हैं, या फिर सिक्वेंशियल जो सैम्पलिंग प्लान है उसके थ्रू जाते हैं, या मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान के थ्रू जाते हैं, या डबल सैम्पलिंग प्लान के थ्रू जाते हैं, या फर्दर जो भी अदर सैम्पलिंग प्लान है उनके थ्रू जाते हैं, ठीक है, जिससे कि इफिशियंसी बढ़ जाए. ओके, नेक्स्ट इज द टाइप टू एरर, मींस कंज्यूमर्स रिस्क. अब कंज्यूमर का रिस्क क्या है, कि एक बुरा लॉट एक्सेप्ट हो जाए, है ना. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर अ गिवन NC. NC इज वेयर N डिनोट्स द नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन एंड C डिनोट्स द नंबर ऑफ काउंट ऑफ द डिफेक्ट, नंबर काउंट ऑफ डिफेक्ट्स. ओके, तो C सैंपलिंग प्लान ऑफ एक्सेप्टिंग अ लॉट विद अ डिफेक्ट लेवल इक्वल टू द LTPD एंड द कंज्यूमर सफर्स व्हेन दिस ऑकर्स बिकॉज
a lot with unacceptable quality level was accepted, and the symbol beta is commonly used for the type 2 error, and the typical value ranges from 0.2 to 0.01. ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या कि आप एक बुरे लॉट को है ना, एक जब आपने सैंपल लिया, ठीक है, तो सैंपल लेने पर कह सकते हैं जो डिफेक्ट लेवल था वो कम आ रहा था, लेकिन जब आपने कह सकते हैं उस लॉट को एक्सेप्ट कर लिया, फिर देखा तो वो एलटीपीडी से भी कहीं ज्यादा था, मींस 3% डिफेक्ट से भी ज्यादा था। इसका क्या मतलब है कि एज ए कंज्यूमर यू हैव एक्सेप्टेड अ बैड लॉट। ओके, सो दिस इज द टाइप 2 एरर, मींस कंज्यूमर रिस्क। ओके, नेक्स्ट इज द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है? अ कर्व जिसको आप प्लॉट करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ लॉट, कि वाई एक्सेस में आप क्या रखते हैं कि आप लॉट को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ लॉट, ठीक है, तो वन है, इसका मतलब है कि वाई में हायर साइड वन होगा और जीरो होगा, ठीक है, वर्सेस द लॉट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द परसेंटेज डिफेक्टिव, है ना, तो जो कह सकते हैं लॉट फ्रैक्शन या कितने परसेंट डिफेक्ट निकले हैं वो एक्सेस में रखेंगे, और इसके बीच में जब आप एक प्लॉट बनाएंगे तो दैट इज नोन एज द ऑपरेटिंग characteristic curve. The OC curve is primary tool for displaying and investigating the properties of LASP. ठीक है, तो LASP क्या है? Lot acceptance sampling plan. ठीक है, तो इसको map करने के लिए आप basically क्या करते हैं? Operating characteristic curve को plot करते हैं. तो these are some of the basic key terms that we are using in acceptance sampling plan. कुछ और भी terms हैं, वो आप book से या ये जो particular मैंने blog share किए हैं उसके through आप जो है देख सकते हैं, ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपके जो एग्जाम के रिगार्डिंग है वो इतने ही कह सकते हैं जो टर्म्स हैं वही पूछे जाएंगे, ठीक है, और ये सारे एक तरीके से कह सकते हैं शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो यू नीड टू आई थिंक यू नीड टू क्लियर दिस की टर्म्स। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू मे आस्क, इज देयर एनी क्वेरी और डाउट? नो सर। ओके, ठीक है।